तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती संबंधित एक गुड न्यूज है। बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग को हटा लिया है, परीक्षा से पहले एक बड़ा बदलाव किया है और उन्होंने क्या क्या बदलाव किए हैं और क्या क्या बातें कही हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। फिलहाल अगर आप ये सोचें कि पेपर वन में, यानी कि जो भाषा का पेपर था, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उसमें तो नहीं ही थी, लेकिन जो पेपर टू की बात करें, अगर सामान्य अध्ययन की, उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 रखी गई थी, उसको भी बीपीएससी द्वारा नेगेटिव मार्किंग को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया गया है। अब कहीं भी कोई नेगेटिव मार्किंग शुरू से लास्ट तक नहीं रहेगी। और बीपीएससी के द्वारा क्या क्या बदलाव किया गया, क्या क्या कहा गया, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं 24 से 26 तक एग्जाम होना है। इसमें जो अभ्यर्थी भाग लेंगे परीक्षा के वक्त, पात्रता की जाँच नहीं करते हैं, ये साफ ये कह रहे हैं कि हम पात्रता की कोई जांच नहीं करते हैं। ये नहीं पता लगाएंगे कि आपकी मार्कशीट एलिजिबल है कि नहीं, मतलब एनसीटी वाली बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट वाली, वो आगे की बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त उनकी योग्यता की जांच की जाएगी। साथ ही अध्यापक भर्ती परीक्षा में नहीं रहेगी निगेटिव मार्किंग। आप साफ देख सकते हैं, नो निगेटिव मार्किंग पेपर वन एंड टू इन बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन TRE, यानी 24-25-26 अगस्त को होने वाले एग्जाम में माइनस मार्किंग हटा दिया गया है। फिलहाल अभी बीपीएससी की साइट पर अभी ये नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया गया है, हो सकता है कुछ देर में अपलोड कर दिया जाए, मैं आपको दिखाऊंगा अपलोड होते ही। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।